अच्छा रन यहाँ पर भारतीय टीम बनाने में जरूर कामयाब रही है। 20 ओवर में 201 रन बनाए टीम इंडिया ने, 6 विकेट अपने जरूर गवाए। मिडल ऑर्डर कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद विराट कोहली ने थोड़ी कमान संभाली, उसके बाद आखिरी में शार्दुल ठाकुर और मनीष पांडे ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के चलते 200 का आंकड़ा जरूर भारतीय टीम को पार करवा दिया है। तो फिलहाल श्रीलंकाई बल्लेबाज होंगे बल्लेबाजी पर, जसप्रीत बुमराह होंगे गेंदबाजी पर, काफ़ी एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का जो भी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद। लेग स्टंप को अक्सर यहाँ पर पहली गेंद पर इशारा निशाना बनाते हुए जसप्रीत बुमराह फिलहाल आविष्कार होंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद पर एक रन जरूर भागने में कामयाब रहे जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी है। 45 मुकाबले खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने, 52 विकेट्स लेने में कामयाब रहे, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से हमें देखने मिलती है। भारतीय टीम के एक बेहद अच्छे विकल्प गेंदबाजी के रूप में अगर बात की जाए तो। भारतीय टीम 20 ओवर में 201 रन बनाए 6 विकेट के अपने नुकसान पर। फिलहाल आविष्कार होंगे स्ट्राइक पर, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पिछले मुकाबले में भी हमने देखा है अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से जरूर देखने मिली, और उतनी अच्छी नहीं कि अपनी टीम को मुकाबला जिता सके। फिलहाल यहाँ पर अच्छी गेंद जसप्रीत बुमराह की ओर से आती हुई, आविष्कार को थोड़ा सा चकमा जरूर दिया, काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की ओर से होती हुई। दो गेंदें हो चुकी हैं, रन दिया है केवल एक, बिना कोई अपना विकेट गंवाए श्रीलंकाई बल्लेबाज। आविष्कार है स्ट्राइक पर, पहली यहाँ पर छोटी गेंद, शरीर से दूर जाकर खेलने का प्रयास उसे जरूर किया था। तो आपको बता दें संजू सैमसंग आज विकेट कीपर पीछे मौजूद हैं, ऋषभ पंत को आज मौका नहीं मिला है। संजू सैमसंग पहली गेंद पर एक अच्छा शॉट लगाने में जरूर कामयाब रहे थे, उसके बाद दूसरी गेंद पर अपना विकेट गवा दिया। फिलहाल यहां पर जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद ओवर द विकेट, अच्छी यहां पर शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया है, पीछे पॉइंट की दिशा में फील्डर होंगे मौजूद, गैप नहीं ढूंढने देंगे इतनी आसानी से भारतीय फील्डर्स। श्रेयस अय्यर पीछे थे मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। तीन गेंदें समाप्त हो चुके हैं पहले ओवर की, एक रन बिना को नुकसान, पॉइंट की दिशा में शॉट जरूर लगाना चाहते थे आविष्कार, पर पीछे फील्डर मौजूद थे इसलिए रन नहीं भागने दिया। काफी अच्छी भारतीय टीम फील्डिंग भी करती है, आज देखना होगा क्या इस मुकाबले को कितने रन से आगे जीतने में कामयाब होगी। ओवर द विकेट गेंदबाजी, राइट हैंडेड गेंदबाज हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बड़ा शॉट यहाँ पर, पीछे फील्डर होंगे मौजूद, जी नहीं, पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लेना था, काफ़ी मुश्किल वॉशिंगटन सुंदर के लिए हुआ और नहीं ले पाए उस कैच को। अच्छा यहाँ पर शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया आविष्कार ने, पर गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ इसीलिए बच गए, वरना विकेट अपना गंवा सकते थे। छोटी गेंद थी सामने की ओर, अक्सर छोटी गेंद पर शॉट नहीं लगते, आविष्कार ने कुछ नया ट्राई किया और बच गए, वरना अपना विकेट जरूर गंवा सकते थे। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की ओर से होती हुई, पहली चार गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं अभी तक। राजू भाई बिल्कुल भारतीय टीम, हम भी उम्मीद करते हैं भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में जरूर कामयाब हो। फिलहाल यहाँ पर एक और सिंगल भागने में जरूर कामयाब, आविष्कार ने यहाँ पर सिंगल निकाल लिया है। गुना दिल का फिलहाल स्ट्राइक पर होंगे, एक गेंद में एक रन जरूर बनाया था जसप्रीत बुमराह, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं, एक भी रन, केवल 4 रन दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तो अभी देखना होगा जसप्रीत बुमराह का साथ कौन से गेंदबाज देंगे, नवदीप सैनी एक अच्छे विकल्प जरूर हो सकते हैं, काफ़ी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं नवदीप सैनी। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 10.33 का है, काफ़ी बड़ा एक लक्ष्य भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है श्रीलंका के सामने, देखते हैं उसको क्या चेज कर पाएगी श्रीलंकाई टीम। आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह की ओर से, 5 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं, रन दिए हैं, 4 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, इस बार वाइड गेंद का इशारा जरूर हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर लेग साइड पर योर्क कर डालने का प्रयास करना चाहते थे जसप्रीत बुमराह, नहीं गई वहाँ पर गेंद, लाइन और लाइन से भटके, इसके कारण एक वाइड गेंद एक बार फिर से डालनी होगी गेंद। 5 गेंदों में 5 रन बिना कोई नुकसान, श्रीलंकाई बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। धनुष्का और आविष्का पिछले मुकाबले में जरूर हमने देखा अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से, पर कंसिस्टेंट इतने नहीं है, केवल 20 से 25 रन बनाकर दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए थे। फिलहाल यहाँ पर धनुष्का है स्ट्राइक पर, बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर से प्रयास किया है, हाथों में गेंद गई है वॉशिंगटन सुंदर के, कोई गलती इस बार नहीं करेंगे, पहले ही ओवर में एक विकेट निकालने में कामयाब रहे जसप्रीत बुमराह और धनुष्का को भेज दिया है वापस। 2 गेंदें खेली, रन बनाए केवल एक, कैच थमा बैठे मिडोन का के जो फील्डर मौजूद थे, काफ़ी उनके लिए आसान सा कैच, वॉशिंगटन सुंदर के सीधा हाथ में गई गेंद।
जसप्रीत बुमराह को अपने पहले ओवर में एक सफलता मिल चुकी है। काफ़ी तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, अक्सर बल्लेबाज को चकमा देते हैं जसप्रीत बुमराह। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, मिड ऑन की दिशा में शॉट जरूर लगाने का प्रयास किया। 30 यार्ड सर्कल के भी पार नहीं पहुंच पाई गेंद। काफ़ी आसान सा कैच वॉशिंगटन सुंदर के लिए। एक ओवर समाप्त हो चुका है, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम। काफ़ी अच्छी यहां पर गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम पहले ओवर में केवल 5 रन बनाए हैं, विकेट अपना गंवा दिया, जो कि काफ़ी चिंता की बात होगी श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए। इतनी गहराई भी नहीं है श्रीलंका में कि वो मिडल ऑर्डर भी उनका मुकाबले जिताने में कामयाब हो सके। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा झटका भारतीय टीम की ओर से श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए। एक ओवर समाप्त हो चुका है, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत भाई कह रहे हैं 175 पर ऑल आउट होगी श्रीलंका की टीम, तो वही देखते हैं कितने रन आखिर बनाने में कामयाब होगी। पहले ओवर में भारतीय टीम का दबदबा की शुरुआत हो चुकी है, जसप्रीत बुमराह काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। प्रेम सागर कह रहे हैं इंडिया इज वॉन, बिल्कुल प्रेम सागर जी, इंडिया ही जीतेगी ये मैच। और जो जो लोग हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है तो ये सीरीज अपने नाम कर लेगी इंडिया। और एक विकेट बुमराह ने ले लिया है। और प्रेम सागर जी का धन्यवाद है, स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक ओवर में श्रीलंका के 5 रन हैं 1 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं कितने लोग भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब शार्दुल ठाकुर आए दूसरा ओवर लेकर, एक बॉल दे चुके हैं और शॉट बहुत तगड़ा गया है अविष्कार का, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। पावर प्ले के हिसाब से शार्दुल ठाकुर की ज़्यादा अच्छी बॉलबाजी नहीं है। और 6 रन के लिए अविष्कार ने 6 विकेट के नुकसान, 6 बॉलों पर अविष्कार ने 9 रन बना लिए हैं। और कुशल परेरा हैं सेकंड पर। बहुत अच्छे शार्दुल ठाकुर ने विकेट ले लिया है, बहुत अच्छी स्विंग मिली है शार्दुल ठाकुर को। और अब दिखा दिया शार्दुल ठाकुर ने कि कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं वो। और श्रीलंका के 11 रन पर 2 विकेट हैं। सीधे फील्डर के हाथ में कॉट श्रेयस अय्यर ने लिया है। और अविष्कार ने अपना विकेट गवा दिया यहाँ पर। 1.3 ओवर्स में 11 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा 10.32 का और करंट रन रेट है 7.33। तो अगर देखा जाए तो पहला विकेट बुमराह ने लिया और सेकंड विकेट लिया शार्दुल ठाकुर ने। और चेस करने के लिए इंडिया ने दिया है 201 रन। और जो जो हमारे चैनल पर आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंडिया को अगर आप सपोर्ट करें तो हमारे चैनल को लाइक भी करते चलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब नए बल्लेबाज आए हैं, वो शडफ फर्नांडो आए हैं इसमें। 6 मैच खेले हैं, 107 रन हैं।
और देखते हैं इंडिया कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। जी जिसको लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी वो अपना लिखते चले, हमें बताते चले, हम उनका नाम बोलते चलेंगे और कहां से लिख रहे हैं वो भी बताएं हमें। ओ ओ ये भी बच गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बॉल थी, एज लग सकता था लेकिन नहीं लगा। और आखिरी गेंद है शार्दुल ठाकुर की, जिस तरह से उन्होंने पहला ओवर किया, पहला विकेट ले लिया है अपना। और बहुत अच्छी डॉट बॉल डाली है, बहुत अच्छी, कोई रन नहीं है इसमें। इस तरह से देखा जाए तो दो ओवर में 11 रन है, दो विकेट के नुकसान पर। जो हमारे चैनल पर नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब देखते हैं बुमराह आएंगे या कोई और आता है बॉलबाजी के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और टीम इंडिया के काफ़ी तकड़े मुकाबले हैं, 14 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है इंडिया। और हम सभी मुकाबलों में आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक करते रहें।
बनाया है। उनके साथ ही फर्नैंडो 5 गेंदों में अभी तक 2 रन बना चुके हैं। शार्दुल ठाकुर देखते हैं क्या फिर से गेंदबाजी पर होंगे या फिर जसप्रीत बुमराह को भी लाया जा सकता है गेंदबाजी पर। इंडिया जीतेगी 100। जी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लाया गया है। काफी अच्छी गेंद, सीधा फुल टॉस गेंद का इस्तेमाल किया जसप्रीत बुमराह ने। यहाँ पर रन आउट जरूर मनीष पांडे निकालने में कामयाब रहे हैं। पहले अपील की और श्रीलंकाई बल्लेबाज थोड़े से कंफ्यूज जरूर हुए किस चीज की अपील है। इसी के चलते मनीष पांडे रन आउट करने में जरूर कामयाब रहे, एक और विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब रहे हैं। 15/3 हो चुके हैं श्रीलंकाई टीम, लगभग ढेर यहाँ पर हो चुके हैं भारतीय टीम के सामने। सरेंडर कर दिया है श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने। फिलहाल यहाँ पर 3.1 ओवर के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंद जसप्रीत बुमराह की ओर से, फुल टॉस गेंद थी। मनीष पांडे गेंद को कलेक्ट करके सीधा यहाँ पर स्टंप्स पे टच किया और विकेट लेने में कामयाब रहे। काफी अच्छा यहाँ पर रन आउट कर दिया है मनीष पांडे ने। इसी के साथ 3.1 ओवर के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7L भाई बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत कर सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो ताकि 2020 की अच्छी शुरुआत टीम इंडिया के लिए हो सके। फिलहाल यहाँ पर एक पहली गेंद पर विकेट लेने में जरूर कामयाब रहे हैं। 3.1 ओवर के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आदित्य कुमार भाई बिल्कुल सही कहा, बूम बूम बुमराह इज बेस्ट बॉलर। अभी कुशल परेरा फिलहाल बल्लेबाजी पर जरूर होंगे, 5 गेंदों में 1 ही रन अभी तक बनाया है कुशल परेरा ने। उनके साथ ही काफी यहाँ पर जल्दी विकेट गंवाते हुए 3 विकेट अभी तक गंवा चुकी है श्रीलंकाई टीम। 15 ही अभी तक रन बनाए हैं 3.1 ओवर में। हर ओवर में लगभग 1 विकेट जरूर हमें देखने मिला है। पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट लिया, उसके बाद शार्दुल ठाकुर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे और इस बार दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह एक और विकेट यहाँ पर लेने में जरूर कामयाब रहे हैं। अभी देखते हैं एक और नए बल्लेबाज को आना होगा बल्लेबाजी के लिए। 2 स्लिप का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है भारतीय फील्डिंग की ओर से, चाहते हैं जल्द से जल्द विकेट निकालना। तो मैथ्यूज फिलहाल बल्लेबाजी पर आए हैं, एक सबसे अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं श्रीलंकाई टीम की ओर से। देखते हैं कि अपनी टीम को एक अच्छी रन्स बनाने में कामयाब होंगे। फिलहाल जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर हैं, सामने उनके मैथ्यूज। काफ़ी यहाँ पर इस बार ऑफ साइड की ओर जसप्रीत बुमराह की ओर से गेंदबाजी होती है, काफ़ी इस बार अच्छी टर्न ये हमें ज़रूर देखने मिली है। थर्ड उनका मुकाबला है और 1100 के करीब रन बनाने में कामयाब रहे हैं मैथ्यूज। तो आज देखते हैं कि अपनी टीम को बचाने में कामयाब होंगी, एक काफ़ी मुश्किल भरी सिचुएशन में है श्रीलंकाई टीम। 3.2 ओवर के बाद फिलहाल 15 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 202 का लक्ष्य है भारतीय टीम ने, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए अपने 6 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर है, अपना दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में ही जसप्रीत बुमराह हमें दिखाई देंगे। इसी के साथ 3.3 ओवर्स के बाद 15 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इसी ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह विकेट लेने में ज़रूर कामयाब रहे थे। मनीष पांडे ने काफ़ी अच्छा रन आउट किया, बीच में दोनों ही बल्लेबाज कंफ्यूज हो गए किस तरफ भागना चाहिए और विकेट अपना यहां पर गवा दिया है। फिलहाल मैथ्यूज स्ट्राइक पर होंगे, 3 गेंदें खेल चुके हैं अभी तक 1 भी रन नहीं बनाया। जसप्रीत बुमराह काफ़ी यहाँ पर तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, केवल डिफेंस करते हैं उस गेंद को और अच्छी गेंद का यहाँ पर इंतजार करते हुए बल्लेबाज, अभी तक 1 भी रन नहीं दिया है। देखते हैं मेडन ओवर क्या जसप्रीत बुमराह की ओर से होने वाला है, विकेट प्लस मेडन ओवर देखना होगा इस ओवर में क्या हमें देखने मिलेगा। फिलहाल 3.4 ओवर के बाद 15 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जसप्रीत बुमराह की ओर से 5वीं गेंद, एक और यहां पर डॉट गेंद, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह अभी तक 1 भी रन बनाने को नहीं दिया है। मैथ्यूज फिलहाल स्ट्राइकर हैं, 4 गेंदें खेल चुके हैं। प्रदीप भाई बहुत स्वागत आपका स्ट्रीम पर। फिलहाल यहाँ पर 4 ओवर समाप्त होने को हैं, केवल 15 रन श्रीलंकाई टीम ने बनाए हैं अपने पहले 4 ओवर्स में और 3 विकेट अपने गंवा दिए हैं। तो भी लगता है कि लगभग 15 से 17 ओवर्स में ही ये खेल समाप्त हो सकता है अगर भारतीय टीम ऐसी ही अच्छी गेंदबाजी करते रहे।
तो इसी के साथ ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। जसप्रीत बुमराह की ओर से एक मैडन ओवर प्लस विकेट, काफी अच्छी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की ओर से होती हुई अपने लय में वापस आ चुके हैं। इसी के साथ चार ओवर समाप्त हो चुके हैं 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके साथ यहां पर चार ओवर समाप्त हो चुके हैं 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका की टीम अभी भी 187 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, काफी मुश्किल होने वाला है। अभी कुशल परेरा अगले ओवर में स्ट्राइक पर जरूर होंगे, 5 गेंदों में अब तक केवल 1 रन बनाया है कुशल परेरा ने। देखते हैं क्या नवदीप सैनी को एक बार फिर से गेंदबाजी पर लाया जाएगा या फिर कोई और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी पावर प्ले में 2 ओवर बाकी हैं तो जरूर नवदीप सैनी को एक ओवर और शार्दुल ठाकुर की ओर से एक ओवर जरूर हमें देखने मिल सकता है। फिलहाल यहां पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, यहाँ पर शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल किया गया है, पहले ओवर में विकेट जरूर निकालने में कामयाब रहे थे। देखते हैं क्या एक और यहाँ पर विकेट निकाल सकते हैं शार्दुल ठाकुर। अच्छी यहाँ पर गेंद सामने की ओर उठाकर शॉट लगाया है कुशल परेरा ने, गेंद उतनी दूर नहीं जा पाई, केवल 1 रन भागने में यहाँ पर कामयाब रही। पीछे कोई फील्डर नहीं थे मौजूद, सामने की ओर बिल्कुल शॉट लगाया पर गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए 30 यार्ड सर्कल में ही गेंद रुक गई। फिलहाल यहां पर 4.1 ओवर के बाद 16 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। शार्दुल विल टेक 3 विकेट्स। आशीष कुमार भाई, देखते हैं कितने विकेट आके शार्दुल ठाकुर आज लेने में कामयाब होंगे। फिलहाल एक बार फिर से गेंदबाजी पर आ चुके हैं, देखते हैं इस ओवर में भी क्या विकेट निकाल सकते हैं। काफी अच्छी स्विंग मिली है शार्दुल ठाकुर को जिसे परेशान कर सकते हैं। अगर इस समय बात करें तो 4.1 ओवर में भारतीय टीम 41 रन बनाए और बिना कोई अपना विकेट गवाए, जरूर यहां पर काफ़ी परेशानी में होगी श्रीलंका की टीम। इस बार सिंगल जरूर भागने में कामयाब रहे, मैथ्यूज ने अपना खाता यहां पर जरूर खोला है। 4.2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सभी मुकाबलों में आपके साथ ऐसे ही लाइव कमेंट्री और स्कोर कार्ड के साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे मुकाबले खेले जाने हैं भारतीय टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी टीम इंडिया खेलेगी, तो काफ़ी अच्छे मुकाबले होंगे। चार पॉइंट दो ओवर के बाद 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अश्विन भाई बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम पर, मैन ऑफ द मैच शार्दुल। गौरव भाई अभी देखते हैं, केवल 1 विकेट अभी तक शार्दुल ठाकुर ने लिया है। बल्लेबाजी काफी अच्छी जरूर की थी, इस बार यहां पर मिड ऑन की दिशा में काफी अच्छा शॉट कुशल परेरा की ओर से 4 रन के लिए 1 बाउंस 4। पीछे कोई फील्डर नहीं थे मौजूद और काफी अच्छा शॉट और बेहद आसानी से यहां पर 4 रन लगा दिए हैं शार्दुल ठाकुर ने। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो एक चौका और एक छक्का ही अभी तक लगाने में कामयाब रही है श्रीलंका की टीम। इसी के साथ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर्स के बाद स्कोर हो चुका है 93 गेंदों में 181 रन्स और बनाने हैं श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड 111.68 का हो चुका है, काफ़ी मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में जब पावर प्ले समाप्त होगा। इस बार यहाँ पर बल्ले और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद को पुल शॉट लगाना चाहते थे कुशल परेरा पर गेंद उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई, केवल एक डॉट गेंद और शार्दुल ठाकुर अगली गेंद के लिए तैयार है। फिलहाल यहां पर 4.4 ओवर के बाद 21 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नितिन भाई हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम पर। फिलहाल कुशल परेरा स्ट्राइक पर होंगे, 8 गेंदों में 6 रन अभी तक बना चुके हैं। पहले पावर प्ले में कुछ अच्छा नहीं कर पाई है श्रीलंका की टीम। शार्दुल ठाकुर फिलहाल गेंदबाजी पर सामने की ओर, इस बार शॉट और विराट कोहली की ओर से काफी अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन भागने देंगी। भगवान कुमार भाई बहुत स्वागत है आपका भी स्ट्रीम पर। फिलहाल यहां पर केवल 1 गेंद है बाकी, उसके बाद 5 ओवर समाप्त होने को है। 22 रन बनाए हैं केवल श्रीलंका की टीम ने, 3 विकेट अपने जरूर गंवा दिए हैं। शिव बालक भाई आपका भी नाम ले दिया, आपका बहुत स्वागत है स्ट्रीम पर। तो 5वें ओवर की केवल 1 गेंद है बाकी, उसके बाद अभी देखते हैं
कौन से गेंदबाज आ सकते हैं। अभी स्पिनर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है भारतीय टीम की ओर से। पावर प्ले की जब समाप्त होगा तो ज़रूर हमें एक स्पिनर देखने मिल सकता है। एक और यहाँ पर अच्छा शॉट मैथ्यूज़ के बल्ले से ओवर की समाप्ति की है, एक बेहतरीन 4 रन से 1 बाउंस 4। तो थोड़ा सा महंगा यहाँ पर ओवर ज़रूर साबित हुआ है। अभी देखते हैं आखिरी ओवर पावर प्ले का कौन से आएंगे गेंदबाज डालने। जसप्रीत बुमराह अपने 2 ओवर डाल चुके हैं तो नवदीप सैनी को ज़रूर मौका मिल सकता है गेंदबाजी पर आने का। विजय भाई बिल्कुल आपने सही कहा, भारत की जीत पक्की है। अभी 15 ओवर में 176 रन और बनाने हैं श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 5.2 का करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी डबल से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी मशक्कत करनी होगी आने वाले ओवर्स में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को। पवन कुमार भाई आपका भी नाम ले दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम पर। फिलहाल यहाँ पर 90 गेंदों में 176 रन और बनाने हैं श्रीलंकाई टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। शफात अली भाई बिल्कुल सही कहा, जब भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले होंगे तो ज़रूर हमें देखने मिलेगा टी ओडीआई में कैसा परफॉर्मेंस कर पाती है भारतीय टीम। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जब T20 खेलेगी तो फिर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है भारतीय टीम को। तो हम ज़रूर चाहेंगे भारतीय टीम अपनी बेस्ट टीम के साथ उतरे न्यूजीलैंड के। सिलवाए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी पर है नवदीप सैनी। काफ़ी यहाँ पर अच्छा शॉट गैप ढूंढने में इस बार ज़रूर कामयाब रहे हैं डी सिल्वा। अपनी पहली गेंद पर बेहतरीन यहाँ पर 4 रन लगाने में कामयाब रहे। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बीच से गेंद को निकाला और बेहतरीन यहाँ पर शॉट 4 रन के लिए। अच्छी शुरुआत ज़रूर की है, देखते हैं अपनी टीम को क्या संभाल पाएंगी। विकास भाई जय हिंद भाई। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो जय हिंद एक बार ज़रूर लिखें और आप लाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 5.2 के बाद स्कोर हो चुका है 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी देखते हैं कितने ओवर्स में भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है। अगर ऐसी ही गेंदबाजी चलती रही तो काफ़ी जल्दी भारतीय टीम ये मुकाबला ख़त्म कर सकती है। फिलहाल नवदीप सैनी गेंदबाजी पर हैं, 1.3 ओवर्स अभी तक उन्होंने डाले हैं, 9 रन दिए हैं और एक सफलता जरूर लेने में कामयाब रहे हैं नवदीप सैनी।
अमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिलहाल यहाँ पर नवदीप सैनी हैं गेंदबाजी पर, 5.3 ओवर सोच के हैं, 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका। अक्सर नवदीप सैनी 140 प्लस किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। इस बार यहाँ पर काफ़ी अच्छा शॉट, पीछे फील्डर होंगे मौजूद, काफ़ी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग का प्रदर्शन, पॉइंट की दिशा में मनीष पांडे थे मौजूद, कैप जरूर ढूंढ सकते थे डी सिल्वा पर, काफ़ी अच्छी फील्डिंग के चलते कोई रन नहीं भागने दिया। फिलहाल यहाँ पर 5.4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 5.47 का भी करंट रन रेट है। रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी अभी ज़्यादा है, 11.93 का है, 12 का होने वाला है लगभग। हरीश राव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिलहाल यहाँ पर नवदीप सैनी की ओर से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी होती हुई, सेकेंड लास्ट गेंद है, इस बार अंदर की तरफ गेंद आती हुई, डी सिल्वा ने आखिरी समय पर डिफेंस जरूर किया उस गेंद को और जाने दिया फील्डर्स के हाथों में। हरिओम भाई देखते हैं 18 वर्ष तक क्या ये मुकाबला जाएगा, क्योंकि 4 विकेट अपने काफ़ी जल्दी गवा दिए है श्रीलंकाई टीम ने, 6 ओवर से पहले ही अपने 4 विकेट गवा दिए है, 31 रन जरूर बनाए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 85 गेंदों में 171 रन और चाहिए श्रीलंकाई टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ पर आखिरी गेंद होने वाली है नवदीप सैनी की ओर से अपने दूसरे ओवर की, छोटी गेंद, इस बार यहाँ पर अच्छा शॉट जरूर लगा दिया है डी सिल्वा ने, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं और ओवर की समाप्ति की है एक बेहतरीन 4 रन से, काफ़ी अच्छा शॉट मिड विकेट की दिशा में। रोहित कुमार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिलहाल यहाँ पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 35/4 श्रीलंकाई टीम। डी सिल्वा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आते ही धुआंधार बल्लेबाजी पर लग गए हैं, एक उम्मीद जरूर जगाई है श्रीलंकाई टीम के लिए, देखते हैं। अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिलहाल यहाँ पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 35/4 श्रीलंकाई टीम, 84 गेंदों में अभी 167 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर डी सिल्वा और एंजिलो मैथ्यूज ऐसे ही अगर बल्लेबाजी करते रहे, थोड़ा सा ज़रूर अपने रन रेट चेंज करनी होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट आने वाले ओवर्स में इंक्रीज होती रहेगी और फिर काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पहले पावर प्ले में काफ़ी कम रन बनाए हैं श्रीलंकाई टीम ने, केवल 35 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर। भारतीय गेंदबाजी ने आज बेहतरीन शुरुआत की है इस मुकाबले में, भारतीय बल्लेबाजी तो लाजवाब थी और गेंदबाजी में भी यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत मिली है, मात्र 6 विकेट बाकी हैं टीम श्रीलंका के पास, देखते हैं क्या इन विकेट को बचाकर इस मुकाबले को जीतने में सफल रहेगी यहाँ पर टीम श्रीलंका, या फिर एक अच्छी सिचुएशन में इस मुकाबले को ला पाएगी। फिलहाल स्कोर आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6.1 ओवर के यहाँ पर खेल हो चुका है, तो 167 रन और बनाने हैं इस मुकाबले में जीत के लिए टीम श्रीलंका को। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक बटन आप ज़रूर दबा दें अगर आप भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं, और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर दबा दें, देखते हैं आज क्या 90,000 सब्सक्राइबर आज हम पूरे कर पाएंगे, तो आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। वॉशिंगटन सुंदर हैं फिलहाल गेंदबाजी पर और सामने हैं डी सिल्वा और मैथ्यूज़ हैं बल्लेबाजी पर, फिलहाल डी सिल्वा स्ट्राइक पर हैं, 6 गेंदों में 8 रन डी सिल्वा बना चुके हैं। आज टीम श्रीलंका की बल्लेबाजी में आज एक बेकार हमें शुरुआत देखने को मिली है, कुछ शुरुआती बल्लेबाज कुछ भी आज अपनी टीम के लिए रन नहीं बना पाए, बेहद ही कम रन बनाकर आज आउट हो गए बल्लेबाज, वरना एक सही सिचुएशन में होती यहां पर टीम श्रीलंका। स्कोर आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिलहाल 37 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर्स के बाद, 201 रन आज बनाए हैं भारतीय टीम ने 120 गेंदों में 6 विकेट के नुकसान पर, अपने 20 ओवर्स पूरे खेले भारतीय टीम ने 201 रन बनाए हैं, टीम श्रीलंका को 202 बनाने हैं जीत के लिए। फिलहाल अगर बात करें तो 81 गेंदों का खेल बाकी है 165 रन और बनाने, एक और अच्छी गेंद वॉशिंगटन सुंदर की ओर से अपना पहला ओवर डाल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, शुरुआती 4 गेंदें हो चुकी हैं, मात्र 2 रन दिए हैं शुरुआती 4 गेंदों में, मैथ्यूज़ हैं सामने 9 गेंदों में 6 रन मैथ्यूज़ बना चुके हैं। वहीं अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 11 रन की यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, एक और अच्छी गेंद यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर की ओर से, 5 गेंदों में 2 रन वॉशिंगटन सुंदर अपने पहले ओवर में दिए हैं। तो भाई आप सभी एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें भारतीय टीम को अगर आप सपोर्ट करते हैं, आज देखते हैं क्या 7,000 लाइक्स आज हम पूरे कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप सभी एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं,
यहां पर आखिरी गेंद होगी वाशिंगटन सुंदर की, मैथ्यूज हैं सामने। मात्र दो रन दिए वाशिंगटन सुंदर ने, खराब गेंद जरूर थी लेकिन कोई फायदा नहीं उठाया, केवल दो रन ही भाग पाएंगे, कुछ खास नहीं, लगा सकते थे लेकिन लगाया नहीं। और 39 रन पर 4 विकेट डाउन हो चुके हैं 7 ओवर में। और हम अपने स्क्रीन पर हमें लाइव देख सकते हैं रिक्वायर रन रेट 5 का चल रहा है। करंट रन रेट चल रहा है 5.57 और रिक्वायर रन रेट चल रहा है 12.54। 7 ओवर में 39 रन है 4 विकेट के डाउन पर। कंपैरिजन देखा जाए तो इंडिया इनसे काफी ऊपर थी। अब चहल आए हैं, स्पिनर को बुलाया गया है, 37 मैचों में 52 विकेट हैं, ऑफ साइड में शॉट लगाया है 4 रन, पहली बॉल पे 4 रन मिला है। और इस तरह से डिसिल्वा ने स्वागत किया है युजवेंद्र चहल का, और एक अच्छा लंबा शॉट आता हुआ डिसिल्वा का। और बात करें तो और बहुत अच्छा शॉट खेला है ऑफ साइड में, लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद होंगे, केवल एक ही रन मिल पाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो हमारे चैनल पर आए वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले 14 तारीख से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में आ रही है वो भी हम आपके लिए लाइव लाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो उसके साथ में बगल में घंटे का साइन है उसको भी दबाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। और आप हमें अपना फ़ोन नंबर भी टाइप कर सकते हैं। और जुजन चेल की एक अच्छी बॉल और बहुत अच्छी फील्डिंग भी, लेकिन श्रीलंका की टीम 2 रन के लिए भाग सकती है लेकिन नहीं भागे। अब आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की, 8 रन दिए इस ओवर में अब तक। शॉर्ट पिच गेंद और पीछे फील्डर है, 1 रन ही मिलेगा, ऑफ साइड में खेला है। 8 ओवर के समाप्ति पर 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं कि कोई फास्ट आएगा या स्पिनर आएगा, अब देखते हैं कौन आते हैं। और 8 ओवर समाप्त होने पर अब तक श्रीलंका ने 48 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। 6 का रिक्वायर्ड करंट रेट चल रहा है और करंट और रिक्वायर्ड चाहिए 12.83 का।
अब वासीकरण सुंदर आए हैं, स्पिनर ही आए हैं। ओ ओ हो, एक रन भाग के लिए मैथ्यूज ने बाय का, और हम टाइप करते जाएं, हमारे चैनल पर लाइक करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटे का साइन है उसको भी दबाएं। मैथ्यूज ने एक सिक्सर लगा दिया है, वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक सिक्सर आता हुआ, और लग रहा है श्रीलंका वापसी कर रहा है इस मुकाबले में। छियासी मीटर का ये छक्का मारा है, आठ दशमलव दो ओवर के बाद में श्रीलंका के 55 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। और हम आपको इसी तरह से लाइव अपडेट दे करते रहेंगे स्कोर का, और आप हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑफ साइड में फ्लिक किया है, क्या ये दो रन ले पाएंगे? नहीं, एक ही रन से संतुष्ट हो जाएंगे ये। और हम चाहते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल के बारे में बताएं, लाइव अपडेट करते हैं हम लोग इस स्कोर का। और पीछे की तरफ खेला है और ये 4 रन मिले हैं, बहुत महंगा साबित हुआ है वासीकरण सुंदर का ये वाला ओवर। और देखा जाए तो इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं सुंदर वाशिंगटन। और बहुत जल्दी हम एक गाना भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो भी आपके लिए लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा व्यूज हमें दें। और एक रन ले लिया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है बताएं कौन अच्छी टीम है, इंडिया या श्रीलंका, और क्या लगता है श्रीलंका कितने ओवर में ये मैच जीत लेगी या इंडिया कितनी जल्दी इनके विकेट डाउन कर देगी। और मैथ्यूज ने एक और सिक्स लगा दिया है, सुंदर वासिंगटन बहुत महंगे साबित होते हुए, और इस ओवर में अब तक उन्होंने 18 रन दे दिए हैं। डिसलवा ने 14 बॉल में 21 रन बनाए 4 चौका की मदद से, और मैथ्यू ने 16 ओवर में 23 रन बनाए 1 चौके और 2 छक्के की मदद से। मैथ्यूज ने अब तक 2 छक्के लगा दिए हैं, अब देखते हैं कि क्या स्पिनर को लाया जाएगा या फास्ट बॉलर को। जी हाँ, एक और फिर दोबारा से स्पिनर आए जो जुविंदर चहल, ओ ओ ऑफ साइड में बहुत ही अच्छे बल्ले का संपर्क हुआ है, ओ छक्के के साथ स्वागत हुआ है। जब पहली बॉल पे छक्का लग जाता है तो बॉलर का थोड़ा हौसला पस्त हो जाता है, और एक अच्छी बॉल थी लेकिन ऑफ साइड में बहुत अच्छा खेला और बाउंड्री के बाहर भेजने में इस बॉल को वो सफल रहे। दूसरी बॉल लेग साइड में कर रहे हैं, बच गए, शॉट मारने वाले थे वो। स्कोर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, और जिस जिसने खाना खा लिया वो हमें बताए किस किसने अपना खाना खा लिया है और कौन कौन खाना खा कर हमारे स्ट्रीम पर आया है। और फिर दोबारा से बॉल किया है जो उन्होंने स्ट्रेट खेला है, यहाँ पे फील्डर हैं, एक रन ही मिल पाएगा। और जिस जिसने खाना खाया बताए खाने में क्या क्या खाया है।
आने वाले मैचों में भी आपके लिए लाइव स्ट्रीम लाएंगे। और बताएं 74 रन हो चुके हैं 4 विकेट के डाउन पर 9.3 ओवर्स में। इंडिया के इतने ओवर में 90 रन थे, कोई विकेट नहीं गिरा था और एक रन फील्ड लिया है। ऐसे लगा जैसे 2 रन लेंगे लेकिन वो एक ही रन ले पाए। डिसिल्वा फेसिंग पर है, उम्मीद करते हैं कि लास्ट बॉल में कोई बाउंड्री ना आए क्योंकि अब तक इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं, 2 बॉलें बाकी हैं। सामने है डिसिल्वा, ओ ओ जी सीधे ऊपर शॉट उठा दिया है बॉलर के ऊपर से, क्या पीछे कोई फील्डर है? हाँ है, फील्डर है और उन्होंने रोक लिया है। 2 रन कम से कम वो ले लेंगे भाग कर। आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब तक इन दोनों के बीच में 29 बॉलों पे 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। आखिरी बॉल इस ओवर की, फिर से एक रन भागने में सफल रहे। और 10 ओवर में 78 रन बना चुके 4 विकेट के नुकसान पर। 52 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में। 7.8 का करंट रन रेट चल रहा है और रिकवर रेट है 12.4 का। श्रीलंका के 78 रन है 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों में। अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन दबाएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक चहल 2 ओवरों में 22 रन दे चुके हैं। नवदेव सैनी आए हैं, अब 2 ओवर डाल चुके हैं, 13 रन दिए हैं जिन्होंने और एक विकेट लिया है। फुल टॉस बॉल डाली है डिसिल्वा के और ये 4 मिला है डिसिल्वा को, चौका लगाए, बाउंड्री शुरुआत की है। फुल टॉस की आवश्यकता नहीं थी लेकिन दे दिए पता नहीं क्यों। वैसे ये पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी है, अनुकूल है, इसलिए रन भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही बना पाती। एक डॉट गेंद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए भारतीय खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया टूर है इंडिया का 2020 में, फर्स्ट ODI 14 जनवरी को है, सेकंड 17 को और थर्ड जो है 19 को। मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। हम इन सही मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैथ्यूज 24 रन बना चुके हैं। और आप सभी का स्वागत है जो भी हमारे स्ट्रीम पर आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर इन बल्लेबाजों को ज़्यादा समय दिया गया तो ये शायद मैच को अपनी तरफ मोड़ने में सफल रह सकते हैं। इसलिए इंडियन टीम को चाहिए कि अपने बॉलर्स को ज़्यादा आजमाएं और ज़्यादा से अच्छी बॉलें करें जिससे ये मैच भारत जीते और सीरीज भी जीत जाए। और एक रन भागने में सफल रहेंगे मैथ्यूज क्योंकि फील्डर है पीछे।
और अपना मैसेज हमें भेजते रहें कि कौन सी टीम जीतेगी, या जो भी टीम जीतेगी वो कितने ओवरों में जीत जाएगी, कौन कितनी जल्दी विकेट ले सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है मैच, 11वां ओवर चल रहा है इस समय। पीछे की तरफ बॉल खेल दिए, शायद थर्ड मैन रोक पाए लेकिन नहीं रोक पाए और 4 रन मिल गए। और विकेट कीपर की साइड से बॉल को निकाल दिया है चौके के लिए। बॉल और फील्डर के बीच में रेस लगी थी, बॉल जीत गई, फील्डर पीछे रह गया। और अब देखते हैं कौन कौन सा बॉलर ऐसा है, भारतीय बॉलर ऐसा है जो इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहता है। एक अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ की, बहुत अच्छी डॉट बॉल। 11 ओवर के बाद 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में जो घंटे का बटन है घंटा भी दबाते जाएं। और देखते हैं कितने लोगों ने हमारे चैनल देख रहे हैं, वो लोग इस पर अगर घंटा लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आप लोग हमें देना चाहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। और वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। वैसे जो शादियों में मामा होते हैं ना, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, देते 500 रुपए का नोट है और कहते हैं हमारी बेटी का ध्यान रखना। दूल्हा भी सोचता है 500 रुपए में कितना ध्यान रखूंगा। इस जोक पर आपको क्या कमेंट करना है वो भी हमें लिखकर बताएं। और वॉशिंगटन सुंदर का फिर दोबारा से सिक्सर के साथ स्वागत किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सुंदर ही सारे छक्के खाएगा। और जिस भी ओवर की एक बार छक्के की शुरुआत होती है उसको बहुत ज्यादा संभल के बॉलिंग करनी चाहिए। और अगर आपको इसी तरह से और जोक सुने तो मैं बताते चलें। और अगर इसी तरह से बॉलिंग चलती रही तो भारतीय टीम के लिए मुसीबत हो सकती है। भारतीय टीम को चाहिए कि अब थोड़ा जुझारूपन दिखाए अपना। मैथ्यूज ने फिर दोबारा से शॉट लगा दिया है, क्या संपर्क हुआ है बल्ले का, और ये आउट, 31 रन बना के आउट हो गया। सुंदर ने पार्टनरशिप तोड़ दिया है, बहुत अच्छे, क्या बात है, एक और विकेट सुंदर को मिलता हुआ। 11.2 बॉलों में 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जो भी आए बहुत लकी बंदा है इंडिया के लिए, इसलिए वो हमारे चैनल पर चिपके रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें। और 68 रन की पार्टनरशिप को सुंदर ने ब्रेक कर दिया है। मैथ्यूज 31 रन बनाकर 20 बॉलों में आउट हो चुके हैं। और 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11.2 बॉलों में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक का बटन जरूर दबाते रहें। और जो जो लाइक कर रहे हैं वो अपना नाम लिखें जिससे हम उनको एक एक ट्रॉफी दे सकें। और आने वाले लाजवाब मुकाबले होने वाले, क्योंकि श्रीलंका की टीम तो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया आ रही है जो टफ फाइट देने के लिए तैयार है। और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाएं। सनाका आए हैं, अब दशुन सनाका
38 मैच खेल चुके हैं, 441 रन है, 350 है इनके, और बहुत अच्छी बॉल फील्डर के हाथ में, एक रन ले लिया है भागकर। आप हमें बता सकते हैं कि कितने रनों पर श्रीलंकन टीम आउट हो सकती है, और अपनी राय भी बताते जाएं। अगर आप देखा जाए तो 50 बॉलों में 107 रन बनाने हैं श्रीलंका को। सात रन दिए 5 बॉलों में, फील्डर के हाथ में बॉल सीधे। यहाँ पे सुंदर की आखिरी बॉल, दो के लिए भाग रहे हैं लेकिन एक ही रन ले पाएंगे। कंट्रोल किया है अपने को उन्होंने, और अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ इसी तरह बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी हाफ सेंचुरी से 9 रन कम है, पीछे मारा गया है, कोई फील्डर नहीं, एक बाउंड्री लगाई है। देखना होगा एम्पायर को कि चौका है छक्का। और इसी के साथ साथ चौका है, और इसी के साथ 45 रन हो गए हैं डिसलवा के, और इसी के साथ श्रीलंका ने अपने 101 रन पूरे कर लिए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी स्ट्रीम पर, जो जो नए आए उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऑफ साइड में बॉल की गई है लेकिन बहुत अच्छा शॉट लगा है, लेकिन पीछे फील्डर है, इसके से केवल उन्हें एक ही रन का प्राप्ति हो पाएगी। और जैसा मौसम है ड्यू भी आनी शुरू हो गई है, बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार बॉल को पहुंचना पड़ रहा है। चहल फोर्थ बॉल डालने वाले, शनाका खेलेंगे और डॉट गेंद सीधे हाथ में बॉलर के, और काफी अच्छा सीन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, और बहुत अच्छा संपर्क हुआ है बॉल के साथ, लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया है। और इस तरह से देखा जाए तो 108 रन हो चुके हैं 13 ओवर की समाप्ति तक, 5 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका के। अभी एक बॉल शेष है, देखते हैं इस एक बॉल में वो क्या हर्ष होता है उसका। ये ओवर फिलहाल महंगा साबित होता हुआ,
आखिरी गेंद अभी बाकी है, फिर से लेग साइड में बॉल दी है, केवल एक ही रन मिल पाएगा। खुद जाकर उन्होंने उस बॉल को रोका है, बहुत अच्छी फील्डिंग की है। 13 ओवर की समाप्ति पे 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 7 ओवरों में 94 रन की जरूरत है, 93 सॉरी 42 बॉलों में 93 रन की आवश्यकता है श्रीलंका को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबके चैनलों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे के भी बढ़े, हम दुआ करते हैं सबके साथ हमारे भी बढ़े। हाँ मनीष शर्मा जी आप सही कह रहे हैं, गुड सेल्व मेक मेक सिक्सेस एंड श्रीलंका विल प्राउड, गुड, हम आपकी फीलिंग्स के साथ हैं। लेकिन अगर दोनों मैच बराबर हो जाते तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी। वैसे भी मनीष शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन मिल जाएगा पेटीएम के लिए। और यहाँ पे फर्स्ट बाउंड का इशारा एम्पायर की तरफ से, अच्छी हाइट की बॉल थी, वार्निंग मिली है, फर्स्ट बॉल है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर दबाएं। और आने वाले मैचों में भी हम इसी प्रकार से आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। सना का सामने है और वाइट बॉल, वाइट का इशारा एम्पायर का और शार्दुल का वाइट बॉल हो गया है। और इस तरह से देखा है श्रीलंका को एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। वैसे श्रीलंका अपने विकेट बहुत जल्दी लूज किए हैं, अगर देखा जाए तो इंडिया ये मैच जीत सकती है। और एक और विकेट मिला है शार्दुल को और बहुत अच्छा बॉल, कॉट एंड बॉल दोनों शार्दुल ने ले लिया है और एक विकेट और डाउन हो गया है। 110 पे 6 डाउन हो चुके हैं और 8 गेंदों में 9 बॉल बनाकर शना का वापिस जाएंगे। बहुत अच्छी बॉल थी, बॉलर ने ही अपने ही बॉल पर विकेट ले लिया, खुद ही कॉट लपकाया और खुद ही बॉल, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विकेट लिया है। और शार्दुल ने अपना दूसरा विकेट लिया है और शनाको को वापस जाना होगा। और अब देखते हैं अब कौन से बल्लेबाज आते हैं। अब 39 गेंदों में श्रीलंका को 92 रन और बनाने हैं और इंडिया को 39 ही बॉलों के अंदर देखना है क्या चार विकेट ले पाएंगे या नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आने वाले टाइम पे न्यूजीलैंड टीम भी भारत आ रही है तो उनके बीच में 5 मुकाबले होंगे और इसमें 3 मुकाबले थे जिसमें से एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, एक इंडिया ने जीत लिया था, तीसरा चल रहा है, देखते हैं इसका क्या नतीजा आता है। हसरंग आए हैं शार्दुल की चौथी गेंद और बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल है, कोई रन नहीं। और
अब शार्दुल के आखिरी दो बॉले बाकी हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और इसके बाद शार्दुल का एक ओवर बाकी रह जाएगा। और एक रन के लिए भागे हैं और देखना क्या ये रन आउट हो पाता है, और ये रन आउट हो चुके हैं। बहुत अच्छे, एक और रन आउट। चहल ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। और हसरंगा विकेट मिल गया है शार्दुल के ओवर में, एक और विकेट मिलता हुआ। इन सर्कल में ही बॉल थी, फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और डायरेक्ट हिट है, और भारतीय टीम को एक और सफलता प्राप्त हो गई है। अब 110 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर 13.5 बॉलों में। अब लग रहा है श्रीलंका के लिए मैच बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब 37 बॉलों में 92 रन बनाने हैं। अगर जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे स्ट्रीम पर आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, और जो सब्सक्राइब के साथ में बेल का रिंग जो आइकन है उसको भी दबाएं। और लास्ट बॉल को फेस किया है चौदह ओवर में 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब 36 बॉलों में 91 रन बनाने हैं। फिलहाल 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब 6 ओवर में 91 रन बनाने श्रीलंका की टीम को। करंट रन रेट चल रहा है 7.93 का, और रिक्वायर्ड रन रेट है 15.1। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। अब फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, डिसिल्वा एक रन लेने में कामयाब रहे। अब दो रन की शॉट है उनकी 50 में, क्या देखते हैं इनकी 50 बन पाती है या नहीं। डिसिल्वा ने 30 बॉलों में 48 रन बनाए हैं। अपना इनका जो लास्ट ओवर है, और एक विकेट ले चुके हैं इसमें केवल, और फिर एक बॉल एक रन ले लिया है भागकर। ओवर्स के बाद में 113 रन है 7 विकेट के नुकसान पे श्रीलंका के। अगर देखा जाए तो श्रीलंका में केवल डिसिल्वा ने ही अच्छी बल्लेबाजी की है, उनकी तरफ से लगा कोई जुझारूपन है, या अब डिसिल्वा ही एक ऐसे लग रहे हैं जो दो रन बना पाएंगे। देखें फील्डर क्या रोक पाता है। जी हाँ, चहल ने बहुत अच्छी रोका है चौका, दो रन तो हो ही जाएंगे, लेकिन दो रन रोकने में कामयाब रहे हैं चहल। और श्रीलंका की तरफ से देखा जाए तो पहली 50 हुई है डिसिल्वा की, काफी अच्छी बल्लेबाजी की आज डिसिल्वा ने। इकतीस बॉलों में 50 रन बनाए डिसिल्वा ने। अब देखते हैं 33 बॉलों में कितने रन बन पाते हैं।
दो रन ले लिए डिसलवा ने यहाँ पर, देखते हैं आखिरी समय तक क्या बल्लेबाजी करते रहेंगे डिसलवा। फिलहाल यहाँ पर अब दो गेंदे बाकी हैं इस ओवर की, 15वें ओवर की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फील्डर है पीछे, उठा दिया है, एक रन मिलेगा। 15 ओवर में 119 रन। बिल्कुल सही कहा है, अब भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ होंगे। और ये स्टंप आउट हो गए हैं, बल्ले का बॉल से संपर्क नहीं हुआ और वो सीधे विकेट कीपर के हाथ में गई। विकेट कीपर ने बहुत अच्छी स्टंपिंग की है संजू सैमसन ने। और बहुत दूर थे क्रीज से, अब केवल दो ही विकेट हैं। देखते हैं श्रीलंका क्या कर पाती है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। देखते हैं इंडिया का ये साल क्या ये सीरीज जीत पाती है नहीं। लसित मलंगा आए हैं और बॉलिंग पे हैं नवीन सैनी। छोटी गेंद शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया लेकिन फील्डर वहां मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। और हम आपके साथ इसी तरह सभी मुकाबलों में जुड़े रहेंगे। ओ ओ हाँ बहुत अच्छा रहेगा। डिसिल्वा फेस करेंगे सैनी को। फाइन लेग में शॉट लगाया है बहुत अच्छे, चार रन के लिए फाइन लेग में खेलकर चार रन की प्राप्त की है डिसिल्वा ने। अट्ठाईस बॉलों में 80 रन की आवश्यकता है श्रीलंका को मैच जीतने के लिए और इसी तरह से 28 बॉलों में 2 विकेट की आवश्यकता है इंडिया को मैच जीतने के लिए। और इंडिया ये मैच जीतेगा और साथ में सीरीज भी जीत जाएगा, लेकिन अगर श्रीलंका मैच जीतता है तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी क्योंकि एक मैच पहला मैच जो था वो बारिश में रद्द हो गया था। और एक बहुत लंबा शॉट खेला गया है, जसप्रीत बुमराह ने कॉट लपक लिया है और वह आउट हो गए हैं और सैनी को एक विकेट और मिलता हुआ। काफी आसान सा कैच बुमराह को दिया, बुमराह इस तरह का मैच कैच नहीं छोड़ पाते। और 15/3 बॉलों के बाद में 122 पे 8-9 विकेट हो चुके हैं। अब दोनों बल्लेबाजी नए हैं, किसी ने भी नहीं खेली है। कुमार आए हैं अपना
लास्ट विकेट कुमारा है, दोनों ने ना तो कोई बॉल खेली है और ना ही कोई रन बनाया है, सब कुछ जीरो 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 है, आर जीरो बी जीरो फोर जीरो सिक्स जीरो एंड स्ट्राइक रेट आल्सो जीरो। इतने जीरो पहली बार देखे जा रहे हैं, या तो फर्स्ट टाइम पर आते हैं या अब लास्ट टाइम पर आए हैं। और आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोनों ही बल्लेबाज नए हैं, देखना है क्या करते हैं। अपनी चौथी बॉल लेकर आ रहे हैं सैनी, और हाँ आप हमारे चैनल पर रोज रात को 9 बजे आधे घंटे का बुलेटिन भी देख सकते हैं। और बहुत अच्छा बॉल खेला थर्ड मैन की तरफ, फील्डर के हाथ में बॉल, एक रन ले लिया है। अब केवल भारत एक ही विकेट दूर है मैच जीतने से और सीरीज साथ में। चार ओवर के बाद में श्रीलंका के 123 रन 9 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करते हुए लसित मलिंगा, और पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया है, और ये मैच और सीरीज दोनों ही इंडिया ने अपने नाम कर लिए। साल की पहली सीरीज इंडिया के नाम है। लसित मलिंगा को बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन क्या करें, विराट कोहली को एक और सफलता प्राप्त होती हुई सीरीज की, और श्रीलंका की टीम 123 रन पर ऑल आउट हो चुकी है 15.5 ओवर में। और आप सभी से गुजारिश है, जो जो इंडिया को लाइक करता है वो जय हिंद लिखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और एक अच्छी सफलता के लिए आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छी तरह से मैच खेला गया, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और देखा जाए तो बस हमारी इंडियन टीम की तरफ से भी कुछ प्लेयर ऐसे थे जो अच्छा नहीं कर पाए, जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिली थी उस अपॉर्चुनिटी का इतना अच्छा फायदा नहीं उठा पाए जितना उठाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ अच्छा है, अगर अंत अच्छा है तो सब भला है। आज भारतीय टीम की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया, और कुछ बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की है, उनकी सराहना की जानी चाहिए, और दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट स्पिरिट दिखाया है, इसलिए इन सबको धन्यवाद है। आपको और हमारा मनोरंजन किया इन लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद है। हमारी स्ट्रीम पर इसी तरह से आप जुड़े रहें, स्कोर अपडेट होता रहेगा, हिंदी में कमेंट्री मिलता रहेगा, और आपका होस्ट विनय गुप्ता आपके साथ है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर आपको मिल जाएगा, पेटीएम कर सकते हैं। और श्रीलंका आज के दिन अच्छा नहीं कर पाई, जिसका अफसोस रहेगा मलिंगा को, जिससे उन्होंने कैप्टेंसी की थी उसके हिसाब से देखा जाए। अब हम 14 जनवरी को आप सबसे मुखातिब होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया का मैच होगा, और भारतीय टीम की तरफ से देखा जाए तो केएल राहुल ने और शिखर धवन ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग की। और बॉलिंग की बात करें तो नवदीप सैनी ने अब देखते हैं मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिलता है। और जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाते चलें,
और साथ में बेल आइकन भी दबाते चले। हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला है। श्रीलंका की तरफ से सदनकर ने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए थे। बाकी हंसरंगा और कुमारा ने एक एक विकेट लिया है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। इस तरह से इंडिया ने 6 रन एक्स्ट्रा के साथ में 201 रन बनाए थे। अब 14 जनवरी को हम लोग मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनका पहला मुकाबला होगा इंडिया का, और हम 14 जनवरी को आपके साथ मिलेंगे। और आप हमारे चैनल पर आए, अपडेट देखें, स्कोर कमेंट्री हिंदी में। आपका साथी, आपका दोस्त विनय गुप्ता आपके साथ। और अब हम लोग मिलेंगे 14 जनवरी को, जब तक के लिए सबक है, शुक्रिया, गुड नाइट, नमस्कार।